नमस्ते दोस्तों, सब हिंदी में आपका स्वागत है। मैं विक्की आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सब हिंदी पे। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने मोबाइल को स्पाई कैमरा या फिर सीसीटीवी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल अपने मोबाइल को सीसीटीवी या फिर आईपी कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ेंगी, तो देखिए दोस्तों, कभी कभी आप अपनी शॉप होती है, आप घर से सीसीटीवी स्पाई करना चाहते हैं या फिर स्पाई करना चाहते हैं, तो ऐसे हालात में आपके पास अगर सीसीटीवी कैमरा नहीं हो तो आप मोबाइल के जरिए भी आप मोबाइल के कैमरे का सीसीटीवी बना सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, यहाँ पे आप आईपी वेबकैम की हमें जरूरत पड़ती है। तो प्ले स्टोर पे आप डायरेक्टली डाल दीजिए आईपी वेब। तो जैसे आप प्ले स्टोर पे डालेंगे तो आपको यहाँ पे आईपी वेबकैम दिखाई देगा। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे पावेल वाला आईपी वेबकैम डाउनलोड करना है। मैंने इसे डाउनलोड करके रखा है तो मैं इसे ओपन कर देता हूँ। दोस्तों काफी सिंपल एप्लीकेशन है, आपको इसमें कुछ भी सेटिंग नहीं करनी है। आप अगर चाहते हैं कि एचडी वीडियो हो तो आप उसमें सेटिंग कर सकते हैं, ऑडियो भी आपका चले तो वो भी सेटिंग कर सकते हैं। आप देखिए ऑडियो मोड है, तो यहाँ पे कुछ सारी छोटी छोटी सेटिंग्स है जो आप जानते ही होंगे। इसके बाद नीचे एक ऑप्शन है स्टार्ट सर्वर, तो जैसे ही दोस्तों मैं स्टार्ट सर्वर क्लिक करता हूँ, जो कि मेरा मोबाइल का कैमरा है, यहाँ पे ऑन हो जाएगा। आप देख सकते हैं जो मेरा मोबाइल है, मैंने अभी मेरे कंप्यूटर के स्क्रीन की तरफ घुमा लिया है और आप देख सकते हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन, और यहाँ पे मेरा सीपीयू पड़ा है, और ये जो ऊपर है मेरा आईबॉल का राउटर। तो दोस्तों हमें क्या करना है, अभी मैं इसे नीचे रख देता हूँ। हमें क्या करना है, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं आईपी http://192.168.1.1.03.80.80, तो हमें यही पेस्ट करना है गूगल क्रोम पे। आप ये कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी जाता हूँ और कंट्रोल भी कर देता हूँ। तो आपको पहले टाइप करना होगा ये, यहाँ से देख देख के। ये देखिए यहाँ पे जो वीडियो मेरा चल रहा है आप अभी देख सकते हैं। और हमें क्या करना है, वही गूगल क्रोम में डाल देना है और इसके बाद इंटर कर देना है। दोस्तों जैसे मैं इंटर करूंगा, जो आईपी वेबकैम की जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएंगी, और यहाँ पे आपको कुछ सारे ऑप्शंस नजर आएंगे, जैसे कि वीडियो रेंडरर और ऑडियो प्लेयर। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आप अगर चाहते हैं कि आपका जो रिकॉर्डिंग हो यहाँ पे सेव होती रहे तो आप यहाँ पे इसे लेबल करके रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, यहाँ नीचे जूम कर सकते हैं स्ट्रीम क्वालिटी। तो सबसे पहले ये तो मैं बताऊंगा आपको, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये दिखा, अगर आपका मोबाइल कैमरा ऑन है, आपने ऑन किया है तो आप कैसे करेंगे, ये देखिए ये तो ऑन है यहाँ पे। तो अभी हमें क्या करना है, सिर्फ जावास्क्रिप्ट पे यहाँ पे ओपन करना है। दोस्तों जैसे मैं जावास्क्रिप्ट पे क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पे देख सकेंगे कि मेरे मोबाइल का कैमरा भी इसमें दिखाई देना शुरू हो चुका है, और आप देखेंगे कि जो मोबीजेन मेरा था वो यहाँ पे मोबीजेन में जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था मोबाइल की, तो वो भी और ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मतलब कि जो मेरे मोबाइल में दिख रहा है वो कंप्यूटर पे दिख रहा है, ऐसा नहीं दोस्तों कि मैं कंप्यूटर के पास खड़ा हूँ इसके वजह से वो दिखाई दे रहा है, मैं अगर कहीं पे भी चला जाऊँ तो वो मुझे दिखाई देगा। आप देख सकते हैं मैं मोबाइल अगर हिलाता हूँ, ये है मेरा कंप्यूटर, आप देख सकते हैं ये नीचे मेरा कीबोर्ड, और काफी आसानी से और काफी स्मूथली ये प्ले हो रहा है, तो आप देख सकते हैं। और अभी आपको ये सेटिंग भी बता देता हूँ, आप अगर जूम करना चाहते हैं, मतलब आपके आप अगर जूम करना चाहते हैं कि वहाँ कौन खड़ा है या फिर कुछ भी, तो यहाँ पे ऐसे जूम भी कर सकते हैं। इसके बाद स्ट्रीम क्वालिटी अच्छी कर सकते हैं। मैं देखिए फिलहाल तो ये प्ले नहीं होगा क्योंकि मेरा नेटवर्क स्लो चल रहा है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है, प्ले हो रहा है। और दोस्तों नीचे काफ़ी सारे ऑप्शन है, फ्रंट कैमरा बैक कैमरा, आप अपने मोबाइल को कहीं पर भी सेट करके चुपके से स्पाई सीसीटीवी कर सकते हैं। दोस्तों ऐसा मेरा सिंपल वीडियो था जो आपको समझ में आ चुका होगा। उम्मीद करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करिए, और उसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।